तो हेलो गाइस, गुल्टू माय यूट्यूब चैनल। तो आए आप सारे लोग तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सारे लोग तो बहुत ही सारे लोग तो गेम खेलते होंगे। क्या पता है कौन से गेम एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर, पता है कि टॉप 10 गेम के बारे में जानने वाले हैं। तो आपकी पसंदीदा गेम कौन सा है हमको कमेंट करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल गाइस नंबर 1 पर आते हैं माइनक्राफ्ट की गेम का, जो 2011 में लॉन्च हुआ था, ऑल वर्ल्ड के अंदर में लॉन्च हुआ था। तो इस गेम से बहुत अच्छा लगता है और टेक्नो गेमर भी इसको चलाते हैं। तो फिर नंबर 2 में आती है एपेक्स की लेजेंड की गेम होता है, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, ऑल ओवर में लॉन्च हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नंबर 3 में आती है तो लीग ऑफ लेजेंड की जो गेम होता है, जो 2013 में सारे ऑल ओवर में लॉन्च हो गया था। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत ही एक्स्ट्रा वीडियो उसमें ज़्यादा बहुत ही। तो फिलहाल गाइस नंबर 4 में आती पबजी का गेम होता है, जो होती बहुत ही अच्छा लगता है खेलने, बहुत ही एक्स्ट्रा गेमिंग इसमें बहुत ही मिलता है, फ्री फायर जैसे ही मिलता है। वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल गाइस मैं बता देता हूँ, तो मैं पहले पबजी का गेम खेल रहा था, अभी फिलहाल फ्री फायर में खेल रहा हूँ, लेकिन अभी पबजी भी खेल रहा हूँ, दोनों एक साथ में खेल रहा हूँ, तो अच्छा लगता है वो। फिलहाल गाइस फिर नंबर 5 में आती है जो काउंटर स्ट्राइकर की गेम होता है, जो 2012 में लॉन्च हो गया था। तो बहुत ही अच्छा लगता है खेलने के, मैं पहले भी पबजी जब आया नहीं था पहले इसको खेल रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। फिर नंबर 6 में आते हैं दो ग्रैंड थीफ्ट ऑटो की जो होता है, जो GTA वाली गेम होता है। तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, अजय भाई खेलते हैं और हमारा टेक्नो गेमर भी खेलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी इसको खेलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव भी गेम। फिर नंबर 7 में आते हैं जो बैटल रॉयल की गेम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। 2017 में वो लॉन्च हो गया था, इसको ज़्यादा बहुत ही छोटे बच्चे के खेलने बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव भी गेम है, बहुत ही हाई क्वालिटी भी गेम, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर नंबर 8 में आते हैं अमंग की US की जो गेम होता है, जो 2018 में लॉन्च हो गया था, बहुत ही अच्छा लगता है, वो मज़ा आता है खेलने के लिए, बहुत ही एंटरटेनमेंट भी मिलता है गेम खेलने के लिए, बहुत ही माइंड सेट करके इसको गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हाई क्वालिटी गेम है जो प्रो बंदा खेल पाते हैं। तो फिर नंबर 9 में आते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, जो फीफा है और पबजी की तरह होता है, जो अच्छा लगता है खेलने के लिए, बहुत हाई क्वालिटी होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है खेलने के लिए, बहुत ही मज़ा आ जाता है खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है और इंटरेस्ट वाली गेम भी बहुत है और ज़्यादा भी लोग यूट्यूबर चलाते हैं। तो फिर नंबर 10 में आते हैं हार्टस्टोन की गेम होता है, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। तो मैंने जब पहली बार फ़ोन लिया था इस गेम को पहले खेल रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है खेलने के लिए, अच्छा मज़ा आ जाता है, क्योंकि यूट्यूबर इसको चलाते हैं, बहुत सारे फॉरन यूट्यूब चलाते हैं। तो फिलहाल गाइस आपको वीडियो किसी तरह लगी थोड़ा सा कमेंट कर देना, और आपको कौन सी गेम बहुत ही अच्छा लगता है, फ्री फायर व पबजी व कॉल ऑफ ड्यूटी, कौन सा गेम बहुत अच्छा लगता है हमको कमेंट कर देना। और इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो मिलने के लिए थोड़ा सा लाइक कर देके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना। तो हम मिलते हैं अगले, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।